हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर FBH में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम कैलकुलेशंस ऑफ मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैलकुलेशंस ऑफ मटेरियल्स जो है इसमें आपको छोटा सा न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है जिसमें आपको छोटी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको डिस्कस आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कैसे आप ये छोटा सा जो ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल छोटा सा होगा वो आप कैसे कवर कर सकते हैं। तो पहले ही इसके लिए आपको ये चीज़ें जो है ये याद होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो है 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वैसे आपको पता ही होगी ये चीज़। मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट जो हमारे पास, मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट जो उसका वेट कितना होता है, 50 kg का होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, अगर आपको पता नहीं है तो 34.72 लीटर्स आपको याद रखना है कि वॉल्यूम एक बैग सीमेंट का 34.72 लीटर्स होता है, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं मीटर क्यूब में 0.03472 मीटर क्यूब। सीधे भी पूछा जा सकता है आपसे ये ऑब्जेक्टिव कि वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट क्या होता है, तो 0.034, या फिर कहीं पर लिखा होता है 0.035 मीटर क्यूब भी लिखा होता है कहीं पर। तो ये आप याद रखना, आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा वैल्यू जो है इस वैल्यू के नज़दीक है, तो आप टिक कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन 1 मीटर क्यूब, अगर हम 1 मीटर क्यूब में, ये मैं कंक्रीट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं 1 मीटर क्यूब सीधा जो हमारे पास, अगर क्यू 1 मीटर क्यूब का हमारे पास एरिया है तो वहाँ पर 28.8 बैग्स जो है उसमें आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक क्यूब बना लिया, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब मैंने बना लिया, इसका लेंथ भी 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर और विड्थ भी 1 मीटर है। तो यहाँ पर इस क्यूब में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सीमेंट ही भर दूँ तो ये इसमें कितने आ जाएंगे, 28.8 बैग्स, 28.8 बैग्स। ये आप कैसे निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बैग्स आपके पास आ जाएंगे 1 मीटर क्यूब अपॉन एक सीमेंट बैग का वैल्यू कितना होता है, 0.035। तो ऐसे करके भी आपको नंबर ऑफ सीमेंट बैग जो है 28.8 बैग्स आ जाएगा, मतलब कि 28.5 से ज्यादा बैग्स हमें 1 मीटर क्यूब में आ जाएंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। डेंसिटी ऑफ सैंड आपको याद रखनी है कि इसकी रेंज क्या होती है, 1680 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो अब देखते हैं कि कंक्रीट के लिए हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो आपके पास क्या दिया होगा, कंक्रीट जो होता है वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स का बना होता है, तो आपको ये चीज़ पता होती है। 30% ऑफ वॉइड्स इन ड्राई स्टेट, तो सैंड के सैंड में जो है 30% वॉइड्स होती है अगर ये ड्राई स्टेट में होगी, और एग्रीगेट्स में 25% वॉइड्स होती है जब ये ड्राई स्टेट में होती है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर मैंने जो ये पॉइंट लिखा हुआ है ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपको कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी अगर आपने ये पॉइंट यहां पर याद रखा। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो होता है वो होता है 1.50 to 1.55 वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, मतलब कि आप ऐसे याद रखना, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो होता है वो 1.54 ज्यादा हम यूज करते हैं, कहीं पर 1.52 भी यूज करते हैं, लेकिन आप ये याद रखना ज्यादातर यूज होता है 1.54 वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, मतलब कि वेट जो वॉल्यूम होता है, अगर हमें, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, अगर हमें एक बीम है, यहाँ पर ये हमारे पास बीम है, इसमें हमें 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट चाहिए है, लेकिन अगर हम इसी कंक्रीट को बनाने के लिए जो ड्राई मटेरियल हमें चाहिए होगा वो ड्राई मटेरियल इतना ही नहीं होगा, क्योंकि जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो इसीलिए जो है ड्राई फॉर्म में हमें ज़्यादा चाहिए होगा, मतलब कि 1 मीटर क्यूब से ज्यादा चाहिए होगा। तो कितना ज्यादा होना चाहिए, 1.54 से इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 into 1.54 हो गया 1.54 मीटर क्यूब, मतलब कि इतना मीटर क्यूब हमें ड्राई फॉर्म में चाहिए ताकि हमारे पास वेट फॉर्म में 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट बन जाए। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर आपको कहीं पर भी कंक्रीट की कैलकुलेशंस करनी है, अगर आपको बोला जाए 1 मीटर क्यूब या 10 मीटर क्यूब, अगर आपसे फॉर एग्जांपल हमें 10 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट चाहिए, तो आपको क्या करना है, 1.54 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, वो आ जाएगा 15.4। तो आपको एक्चुअल में ड्राई जो चाहिए होगा, ड्राई इतना चाहिए होगा, वेट आपको 10 मीटर क्यूब ही बन जाएगा, लेकिन जो ड्राई फार्म में मटीरियल आपको चाहिए होगा वो 15.4 मीटर क्यूब का चाहिए होगा। तो
ये आपको याद रखना है, जितना भी मीटर क्यूब आपको बोला गया है तो उसमें 1.54 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो ड्राई फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इसको यूज हम कैसे करते हैं। कैलकुलेट द सीमेंट सैंड एग्रीगेट फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट कंक्रीट। तो यहां पर हमें, हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपको एक क्वांटिटी निकालने को बताएगा वहां पर। तो कैलकुलेट द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट 1 मीटर क्यूब ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, मतलब कि हमें 1 मीटर क्यूब यहां पर दिया हुआ है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ड्राई वॉल्यूम हमारे पास 1.54 आ गया। और हमारे पास जो कंक्रीट दिया है वो M15 का दिया हुआ है, M15 का कंक्रीट जो आपको पता ही है उसके लिए रेशियो होता है 1:2:4। ये रेशियो भी आपको दिया होगा वहां से, या फिर आपको ऐसे दिया होगा M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें बनाना है। तो ये वैल्यूज आपको वैसे याद ही होंगी, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद करवा दूंगा जब हम RCC स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको बोला गया है M15 के लिए आप जो है 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए क्वांटिटीज निकाल के दे दो, तो आपको कैसे निकालना है, पहले ही हमारे पास 1 मीटर क्यूब जो है वेट कंक्रीट दिया है, तो ड्राई कैसे निकलेगा, ड्राई निकालने के लिए 1.54 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1.54 मीटर क्यूब जो आ जाएगा वो ड्राई आ जाएगा, ड्राई मटेरियल्स, मतलब ड्राई मटेरियल फॉर 1 मीटर क्यूब। तो अब आपके पास जो है M15 दिया है 1:2:4, यहां पर आपको ये पता है कि 1 जो है सीमेंट है, 2 जो है हमारे पास ये सैंड है, और 4 जो है हमारे पास ये एग्रीगेट है। अब अगर आपको क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट अगर आपको निकालनी है, तो आपको ये आपने पढ़ा होगा शायद, आपको याद नहीं होगा अभी, तो सीमेंट अगर हमें निकालना है हम सीमेंट का रेशियो ऊपर लिखते हैं और ये जो टोटल रेशियो है इसको डिवाइड में लिखते हैं, 1/4+2+1 7 इंटू करेंगे जो हमारे पास ड्राई फॉर्म में आ गया, इंटू ड्राई फॉर्म में हमारे पास 1.54 आ गया। तो ये जो है इसको कैलकुलेट करके हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ सैंड, अगर हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ सैंड, तो सैंड का प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, 2 है हमारे पास सैंड का प्रोपोर्शन, और डिवाइड में क्या लिखते हैं टोटल प्रोपोर्शन, वो 7 है हमारे पास, 4+2+1 7 है हमारे पास, इंटू 1.54 जो हमारे पास ड्राई फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास सैंड की क्वांटिटी आ जाएगी इन मीटर क्यूब, क्योंकि हम मीटर क्यूब में कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ऐसे ही क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट अगर आपको निकालना है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 4/4+2+1 7 इंटू 1.54, मतलब कि जो चीज आपको निकालनी है उसका ऊपर लिखना है, डिवाइड बाय टोटल प्रोपोर्शन जो है वो नीचे लिखना है, इंटू जो हमारे पास ड्राई, पहले ये याद रखना है, ये इसको ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1.54 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करके जो ड्राई फॉर्म आया उसी से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो सीमेंट के लिए 1/टोटल रेशियो जो है वो 7 आ जाएगा, 1/7 × 1.54 वो 0.22 मीटर क्यूब के इक्वल आ जाता है। सैंड के लिए 2/7 × 1.54 तो हमारे पास 0.44 मीटर क्यूब के इक्वल आ जाता है, और एग्रीगेट जो है हमारे पास वो उसके लिए जो है वो आ जाता है 4/1+2+4 × 1.54 वो आ जाता है 0.88 मीटर क्यूब के इक्वल, तो 0.88 मीटर क्यूब के इक्वल आ गया ये। तो इससे हमें जो है, इससे हमारे पास निकल के आ जाता है कि हमें कितना सीमेंट चाहिए, कितना मीटर क्यूब सैंड चाहिए, और कितना जो है हमारे पास एग्रीगेट चाहिए। लेकिन यहां पर एक और चीज भी पूछी जाती है कभी कभी, उसके लिए आप सीधा एक ट्रिक याद रख लेना, सीमेंट जो है वहां पर ऐसे पूछा जाता है कि सीमेंट के कितने बैग्स हमें चाहिए, आपको क्वांटिटी ऑफ सीमेंट नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि सीमेंट के कितने बैग्स चाहिए। तो आपको क्या करना है, सीमेंट के लिए हमारी क्वांटिटी 0.22 मीटर क्यूब आ गई, तो 0.22 मीटर क्यूब इंटू 28.8 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे 0.22 इंटू 28.8 हमने किया,
तो ये आ जाएगा 6.33, मतलब कि 6.3 बैग्स आप सीमेंट हमें चाहिए होते हैं। तो यह चीज आपको याद रखनी है, अगर आपने सीमेंट की क्वांटिटी निकाली हुई है तो सीमेंट की क्वांटिटी जब हम हमारे पास आ जाएगी उसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 28.8 से, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ बैग्स पूछा जाए तो ऐसे निकालना है, वरना आपको क्वांटिटीज ऐसे निकालनी है। तो ऐसे ही हमारे पास ग्रेड जो है वो M15 दिया था, लेकिन हमारे पास फॉर एग्जाम्पल M20 ग्रेड है, M20 ग्रेड है, तो उसके लिए 1:1.5:3 है हमारे पास रेशियो। और अगर हमारे पास जो भी क्वांटिटी दी होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 मीटर क्यूब का कॉन्क्रीट दिया हुआ है, तो पहले हम 1.5 × 4 × 10 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास ड्राई ड्राई कंक्रीट। तो ऐसे करेंगे सीमेंट के लिए 1 / टोटल रेशियो × ड्राई वॉल्यूम, सैंड के लिए 1.5 / टोटल रेशियो × ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, एग्रीगेट के लिए 3 / 1.5 × 1.5 + 3 × ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो हमारे पास ये क्वांटिटी निकल के आ जाती है। तो ऐसे आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना एक दो के साथ, तो आप जो है इसमें एक्सेल कर जाओगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ब्रिक वर्क जो होता है, ब्रिक वर्क हम कैसे निकालते हैं, ब्रिक वर्क के लिए हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होता है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो अगर आपको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें चाहिए है किसी ब्रिक वर्क में, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क टोटल वॉल्यूम कितना है डिवाइड बाय नंबर वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक क्या होगा, उससे हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। साइज ऑफ ब्रिक जो हमारे पास होती है, एक होती है हमारे पास स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है, आपको पता ही होगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नॉमिनल साइज जो होता है वो होता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है तो उसमें हम नॉमिनल साइज यूज करते हैं, क्योंकि नॉमिनल साइज जो है उसमें हम जो है मोटार जो उसके साथ लगाते हैं, ब्रिक वर्क के अंदर जो मोटार लगाया जाता है वो इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ब्रिक वर्क में हमारे पास जो है मोटार इंक्लूडेड होना चाहिए, तो इसीलिए हम नॉमिनल साइज वाला लेते हैं जिसमें मोटार इंक्लूड किया जाता है। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर हमें निकालनी है तो वो, अगर 1 मीटर क्यूब फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर क्यूब में हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है तो 1 / इसको मीटर्स में, इन सब डायमेंशन को मीटर्स में लेंगे तो ये आ जाएगा / 100, तो 0.2 / 100 करेंगे, 0.1 / 100 करेंगे 0.1, तो ये आ जाएंगे 1 / ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 500 ब्रिक्स आ जाती है। तो आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क जो होता है वो कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स होते हैं, तो वो 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको ब्रिक मैंने दिखाई हुई है, ब्रिक के अंदर यहाँ पर जो है एक कैविटी जैसी होती है तो उसे हम फ्रॉग कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि फ्रॉग किसे किसे कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मोटार कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। मोटार अगर हमें निकालना है तो मोटार के लिए हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं मोटार के लिए 15% फॉर फ्रॉग फिलिंग एंड वेस्टेज। तो यहां पर आपको याद रखना है, जैसे हमने कंक्रीट के लिए मैंने आपको बोला 1.54 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमारे पास ड्राई जो है ड्राई मटेरियल का वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन हमारे पास जो है इस वक्त है मोटार, मोटार जो है, मोटार में यहां पर आप देख सकते हैं ब्रिक जो है, ब्रिक के ऊपर यहां पर जो है फ्रॉग लगा होता है, तो कुछ जो हमारे पास मोटार है वो फ्रॉग में भी फिल हो जाएगा, और जहां पर हम ब्रिक वर्क करते हैं वहां पर वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, वेस्टेज और फ्रॉग फिलिंग के लिए हम मोटार में 15% इंक्रीज करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रॉग फिलिंग और वेस्टेज के लिए हम कितना परसेंट इंक्रीज करते हैं, 15% इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम ऑफ द मोटार इज इंक्रीज बाय 25%। और अगर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए वहां पर 1.54 से मल्टीप्लाई करते थे, यहां पर 1.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 25% जो है वो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
15% फ्रॉग फिलिंग और वेस्टेज के लिए, और 25% जो है ड्राई फॉर्म में निकालने के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोटर कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज किया जाता है। फॉर मोटर कैलकुलेशन, मोटर वॉल्यूम अगर हमें निकालना है कि ब्रिक वर्क में हमारे पास कितना मोटर लगा, तो हमारे पास 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम था, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम था, माइनस 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स थी। 500 इंटू, अगर हम स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल ब्रिक का वॉल्यूम आ जाएगा, और ब्रिक से बाहर जो वॉल्यूम बचा यह है हमारे पास 1 मीटर क्यूब। और यहां से जब हम 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास ब्रिक वर्क में है 1 मीटर क्यूब में, इंटू स्टैंडर्ड साइज ऑफ 1 ब्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है मोटर निकल के आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब में हम निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इतना है, तो इससे हमें जो है मोटर का वॉल्यूम आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास मोटर का वॉल्यूम आता है। ये चीज़ आप याद भी रख सकते हैं, अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो सीधा आप यही इसी को याद रख सकते हैं। मोटर का वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब के लिए 0.23 मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इससे आगे कैलकुलेशन हमें कैसी करनी है। तो 0.23 हमारे पास मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम, किसका, ये मोटर का आ गया, जो हमारे पास वेट मोटर है। अब इसी मोटर को हमें 15% इंक्रीज करना है फ्रॉग फिलिंग और वेस्टेज के लिए। तो फ्रॉग फिलिंग के लिए हमने जो है 1.15 से मल्टीप्लाई किया, 15% इंक्रीज करना मतलब कि 1.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.26। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्राई वॉल्यूम इंक्रीज, ड्राई वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हम कैसे निकालेंगे इसको, 25% फिर से इंक्रीज करेंगे जब हम ड्राई को, ड्राई में जाते हैं, तो 1.25 से इसी को फिर 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.32 मीटर क्यूब जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ मोटर आ जाएगा ड्राई फॉर्म में, जब हम 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क करते हैं। तो 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में आपको सीधा अगर आप याद रख सकते हैं 0.3 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटर इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर यह वैल्यू जो है, अगर आप पीछे वाला सारा भी भूल जाएंगे लेकिन यह जो है यह वैल्यू आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने करते समय जो है यह जरूरत पड़ सकती है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें कैसी करनी है। तो यह मैंने आपको दिखाया कि 1 मीटर क्यूब में जो है 0.3 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटर रिक्वायर्ड होता है। अब हमें देखना है कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। अगर हम मोटर जो बना रहे हैं वो 1:4 का बना रहे हैं, अगर हम मोटर बना रहे हैं 1:4 का मोटर बना रहे हैं, तो हमें बोला गया कि सीमेंट निकालो और सैंड निकालो। मोटर में दो ही चीजें होती है, सीमेंट और सैंड होती है। ये सीमेंट का प्रोपोर्शन है 1:4 जो है हमारे पास सैंड का प्रोपोर्शन है। तो सीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय टोटल प्रोपोर्शन, सीमेंट का 1 है, डिवाइड बाय टोटल प्रोपोर्शन 4+1 आ गया 5, इंटू ड्राई फॉर्म में हमारे पास कितना आ गया है ये 0.3। 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि सीमेंट हमें कितना चाहिए। सैंड के लिए हम कैसा कैसे करेंगे, तो सैंड का प्रोपोर्शन 4 है, डिवाइड बाय टोटल प्रोपोर्शन हमारे पास कितना है 4+1 5 है, इंटू 0.3 हमारे पास ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर पता हो पता है। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास सैंड का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ये भी मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमेंट के लिए 1 डिवाइड बाय 1+4 इंटू ड्राई वॉल्यूम 0.3, तो 0.06 मीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं 0.06 को 28.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.728 बैग्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सैंड का प्रोपोर्शन अगर निकालना है, तो सैंड के लिए 4 डिवाइड बाय 1+4 इंटू 0.3 हमारे पास निकल के आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 0.3, तो 0.24 मीटर क्यूब ऑफ सैंड हमें चाहिए होगा, किसके लिए, 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए। तो अब आपको याद क्या रखना है, याद आपको ये रखना है 0.3 मीटर क्यूब जो ड्राई मोटर हमें रिक्वायर्ड होता है 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क अगर हम कर रहे हैं। तो आपके पास ऐसे रेशियो दिया होगा, 1:6 दिया होगा, 1:4 दिया होगा, 1:3 दिया होगा, तो आपको कुछ भी दिया होगा, तो आप सीमेंट और सैंड के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको छोटा सा ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा कि अगर हम 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क कर रहे हैं और 1.3 फॉर एग्जाम्पल 1:3 का मोटर बनाया हुआ है, तो आप सीमेंट कैलकुलेट करके दे दो। दो क्वांटिटीज तो आपको नहीं बताएगी, आपको एक क्वांटिटी वहां पर पूछी जा सकती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं
प्लास्टरिंग वर्क जो है, प्लास्टरिंग वर्क सेम टू सेम होता है, लेकिन यहां पर जो है प्लास्टरिंग वर्क के लिए कैलकुलेशन जो है मोर्टार की तरह ही करनी होती है जो आपको कैलकुलेशन है, लेकिन यहां पर जो है ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए थोड़ा चेंजेस होती है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे करते हैं। फॉर अन इवननेस वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय, अगर हम अन इवननेस कर, अन इवन सर्फेस होती है, आपको पता ही होगा जो हमारी हमारी वाल है ये पूरा जो है स्मूथ नहीं होती है, इसमें रफनेस होती है, बहुत ज्यादा रफनेस होती है, तब जाके हम इस पे ऊपर प्लास्टरिंग करते हैं। तो प्लास्टरिंग जब हम करते हैं, अगर हम 12 mm थिकनेस की प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए अन इवननेस के लिए हम वॉल्यूम 30% इंक्रीज करते हैं। तो ये चीज याद रखना है, 12 mm का प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो अन इवननेस के लिए हम 30% इंक्रीज करते हैं, 15 mm की प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो 25% इंक्रीज वॉल्यूम करते हैं, और 20 mm की प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो 20% जो है वो इंक्रीज करते हैं। तो यहां पर आपको ये 12 mm वाला ही याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर हम जो है प्लास्टरिंग वर्क जो है वो 12 mm का ही करते हैं। फॉर ड्राई वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम ऑफ द मोटर इज इंक्रीज बाई 25%, ये वैसे ही है, ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए 25% इंक्रीज करना होता है। तो यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल नेट इंक्रीज कितना करना है हमें 12 mm के लिए, तो 12 mm के लिए नेट इंक्रीज अगर हम देखेंगे, 12 mm के लिए अन इवननेस का इंक्रीज करना है 30% और वेट वॉल्यूम निकालने के लिए 25%, वो हो गया 30 + 25, कितना हो गया हमारे पास 55%। तो अब आपको पूछा जाएगा कि अगर हमें 1 m³ प्लास्टर करना है, 1 m³ हमें प्लास्टर चाहिए है, तो हमें कैसे निकालना है इसकी क्वांटिटीज, तो आपको क्या करना है, 55% इंक्रीज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.55 × 1, तो हमारे पास 1.55 m³ आ जाएगा ड्राई फॉर्म में, तो ये आ गया ड्राई। अब आपको पूछा जाएगा कि 1:4 की प्लास्टरिंग करनी है या 1:6 की प्लास्टरिंग करनी है, तो आप बताइए कि निकालिए सीमेंट कितना है, तो सीमेंट निकालने के लिए हम 1/6 + 1 7 × 1.55, ये हमें हमारे पास सीमेंट निकल के आ जाएगा, और हमें सैंड निकालने के लिए जो है 6/6 + 1 7 × 1.55 जो ड्राई हमारे पास आ गया, तो ये ऐसे निकाल सकते हैं, तो सैंड का वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहां पर हम सीमेंट और सैंड का वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे ही हमें प्लास्टरिंग का जो है वो कैलकुलेशन करना होगा। तो छोटा सा आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, और फ्लोरिंग के लिए जो है वो 10% अनइवननेस के लिए हम इंक्रीज करते हैं, फ्लोरिंग के लिए जो है 10% अनइवननेस के लिए इंक्रीज करेंगे, और हमारे पास अगर मोर्टार है तो मोर्टार के लिए 25% इंक्रीज करेंगे, तो नेट इंक्रीज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25 + 10 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 35%, तो 35% नेट इंक्रीज होगा फ्लोरिंग अगर हम कर रहे हैं, फ्लोर पे अगर हम जो है प्लास्टरिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, तो इसके बेस पे आप छोटा सा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।